दोस्तों, जहां एक तरफ देश भर के लाखों युवा सेना भर्ती रैलियों के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं, तो वही पिछले कुछ दिनों से सेना भर्ती के नाम पर ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर झुंझुनू राजस्थान से आ रही है, जहां नवलगढ़ पुलिस ने सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में कुल 6 लोगों ने ठगी की थी और ये युवाओं को परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक के फर्जी कागजात देते थे और इसी से वे 4 किस्तों में ठगी का पैसा लिया करते थे। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अलावा भी इस गिरोह का अन्य राज्यों में भी जाल फैला हुआ है और रांची में तो इन्होंने एक फर्जी ट्रेनिंग कैंप बना रखा है। नवलगढ़ पुलिस लगातार मिलिट्री इंटेलिजेंस के संपर्क में है, जिसके चलते इस मामले का खुलासा हुआ है और उनके हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है। नवलगढ़ थाने पे एक नवलगढ़ गांव के विकास कुमार करके लड़का है, उसने एक FIR दर्ज कराई थी कि मैं यूपी के किरण नाम का व्यक्ति है, उसने उसको रांची में सेना में भर्ती करवाए जाने का विश्वास दिलाया, तो उसके विश्वास में आके उसने और उसके 5 मित्र उस ठग के बताए अनुसार उसके संपर्क में आके और तकरीबन नौकरी लगने के नाम पे 28 से 29 लाख रुपए उसके बताए अनुसार उसको दे दिए और पैसे देने के बाद में उसने उसको एडमिट कार्ड अपॉइंटमेंट लेटर उपलब्ध करवाए परंतु नौकरी नहीं लगवाई। इस प्रकार से उसके साथ में धोखाधड़ी हो गई। ये भारत में विभिन्न राज्यों के युवाओं से अलग अलग संपर्क करता था और उनको वह उनके संपर्क में जो अन्य बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी दिलवाए जाने का अपनी बातों से विश्वास दिलाता था और विश्वास में लेने के लिए उनको पहले से अन्य लोगों को नौकरी दिलवाए जाने के संबंध में उनके नियुक्ति पत्र दिखाता था और उनके अन्य प्रोसेस में चल रहे लोगों के एडमिट कार्ड और मेडिकल के कॉल लेटर दिखाता था और फोन से निरंतर संपर्क में रहकर नौकरी के लुभावने सपने दिखाकर उनका ब्रेन वॉश कर लेता था और जब टारगेट किया गया युवा उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता था तो उनको उनके साथ में अन्य नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भी पैसे देकर नौकरी लगवाए जाने के लिए विश्वास में लेता था और उनको इस्तेमाल करके 2 से 15 तक के युवाओं का एक ग्रुप तैयार करवा लेता था। इसके बाद में सबको ग्रुप वाइज दिल्ली बुलाया जाता था इनके द्वारा, ठगों के द्वारा, और किसी होटल में डॉक्यूमेंट को देने का बहाना करके बुलाया जाके डॉक्यूमेंट चेकिंग की कार्रवाई का दिखावा करके जो अमाउंट तय किया जाता था उसकी 1st किस्त ये प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद में दोबारा मेडिकल करवाए जाने के नाम पे दिल्ली या रांची में बुलाते थे, वहां पर ये उनका फर्जी तरीके से एक मेडिकल का आयोजन करते थे दिखावा टाइप से और उनसे 2री किस्त प्राप्त करते थे। इसके बाद में जब बेरोजगार युवा इनसे संपर्क करते थे तो ये कुछ समय लेते थे